You are watching Poonch Live. आदम नाजिन, कल शाम को मंडी के चकराड़ा में लैंडस्लाइड होने की वजह से 5 दुकानें पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिसकी आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं जो वहां खड़े किसी शख्स ने कैप्चर की है। 5 में से 2 दुकानें खलील अहमद सनाफ मोहम्मद शफी की थी और 3 दुकानें हफीजुल्ला खान की थी। इसी पर जब हमने ओनर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस लैंडस्लाइड से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। इन दुकानों में सीमेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड और दीगर सामान मौजूद था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ओनर्स ने PWD को अपना निशाना बनाया है और जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। सर, ये 5 दुकानें हैं, सिर्फ लैंड स्लाइड की वजह से ये लॉस हुआ हमारा, इनमें नुकसान हुआ और हमारा ये जो हार्डवेयर का सामान था, प्लाई थी, सीमेंट रखी हुई थी, 2-4 गाड़ियाँ, तो ये सिर्फ 5 दुकानें हमारी जो लॉस हुआ है, सिर ये डैमेज हुआ डंगा डिपार्टमेंट PWD की लापरवाही से और ठेकेदार की लापरवाही से। सिर सर डंगे का जो बेस है 50 फुट हाइट है इसकी, नुकसान 25-30 लाख का होगा सर, 25-30 लाख तकरीबन। हम ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें डिपार्टमेंट PWD से मुआवजा, ठेकेदार जो इसने लॉस करवाई से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मौके पे ला के हमारी ये इसकी निशानदेही करके हमें जो मुआवजा है वो दिलाया जाए और हम अपनी कागजाती कार्रवाई पूरी करेंगे जिसमें हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए पूरा। सर बिल्कुल PWD उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, कोई ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ, जेई की लापरवाही। मैंने जेई के पास मैंने कहा जी बन रहा है डंगा, बनेगा, टूट गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा। मैंने बोला यार ये डिपार्टमेंट है, ये कौन सा रेशो लगा रहे हैं, पता है 10 बैग हटते 20 बैग बजरी के, 2 बैग सीमेंट डाली नहीं इन्होंने, ये इनका रेशो कम था और पीछे से पानी पड़ा सर, ये लॉस हो गया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि जो हमारे आदमी बच के नीचे थे, इतना तगड़ा मलबा है, नीचे भी दुकानें थी, वो दुकानें भी ज़्यादा में आने लगी थी, अल्लाह का शुक्र है वो भी बच गई, शुक्रिया खुदा हाफिज़। हफीजुल्ला खान है सर। सर मैं पहले तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहाँ इतना सफ़र कर कर हमारे पास आए, गरीब शख्स की दुख में शामिल हुए। तो हमारी ये 5 दुकानें हैं सर, 2 फरीकों की, वो खलील अहमद और हफीजुल्ला खान। सर ये स्लाइड आई है ऊपर से तो ये 5 दुकानें हमारी नीचे आ गई हैं। ये डंगा पहले भी 5 बार 3 बार पहले रुड़ा था, वो एक आज चौथी बार रुड़ गया। तो हमारा इसमें लाखों रुपया का सामान जो है वो यहाँ इसके नीचे आ गया है, सीमेंट है, सरिया है, हार्डवेयर वगैरह, किल कांटा है, प्लाई वगैरह है, बहुत बड़ा सामान है जो 15-20 लाख के रेंज में है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से कि हमें इसका मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि हम गरीब शख्स हैं, कि हाइट बहुत बड़ी है, 50 फुट डंगे की हाइट है, इसका बेस जो है कम बनाया है इन्होंने, तो इसलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि उनको कान में जूं तक भी नहीं फड़की कि जहाँ जाएँ देखें ये लोग क्या बोलते हैं, ये सही कहते हैं या गलत कहते हैं। जिस हिसाब से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरे नंबर सर हमें मुआवजा दिलाया जाए।